विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर सोमवार को भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में भारतीय वन्यजीव संस्थान सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी और एनवायरनमेंट वॉरियर्स की ओर से संयुक्त रूप से गौरैया दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जन जागरूकता कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण के साथ इसकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए आम जनों की भागीदारी और गौरैया पक्षी की विशेषता को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में बताया गया कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत देश में गौरैया की कुल आबादी स्थिर है, लेकिन घोंसला बनाने के लिए जगह एवं भोजन की कमी को देखते हुए भविष्य में स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा नियमित जागरूकता अभियान और संचयी प्रयासों को देखते हुए गौरैया संरक्षण के प्रति सकारात्मक उम्मीद व्यक्त की गई। साथ ही कार्यक्रम में आमजनों से भी गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूक होने की अपील करते हुए संस्था के लोगों ने कहा कि यदि सभी लोग अपने घरों में एक छोटा सा जगह गौरैया को देकर एक घोंसला और उसके भोजन व्यवस्था करेंगे तो भी गौरैया संरक्षण अभियान को काफी बल मिलेगा। मौके पर गंगा प्रहरी गौरव सिन्हा, मुकेश चौधरी, आशुतोष कुमार, प्रशांत, जय कुमार जय समेत संस्था से जुड़े कई सदस्य और आम लोग मौजूद थे। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को लेकर सोमवार को इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से सदर अस्पताल परिसर में निशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आईडीए भागलपुर से जुड़े चिकित्सकों ने मुख एवं दांतों की जांच की और लोगों को जरूरी चिकित्सीय परामर्श भी दिया। इसके पूर्व कैंप की शुरुआत सिविल सर्जन की मौजूदगी में की गई, जहाँ दंत चिकित्सकों ने 230 मरीजों की जाँच कर जरूरी इलाज के साथ इससे जुड़े परामर्श भी दिए। इसको लेकर डॉक्टरों ने बताया कि जांच शिविर में अधिकांश लोग दांत के सड़न, खून आना, बदबू होना, मुख के खुलने में परेशानी होने की समस्या से ग्रसित दिखे, जिन्हें ओरल हेल्थ डे के बारे में बताकर मुख रोग से जुड़ी बीमारियों से बचने की सलाह दी गई। इधर डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा सचिव डॉक्टर जौहर साजिद ने बताया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य और मुख रोग से जुड़ी बीमारियों से बचाव कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूरी बनाकर मुख और दंत रोग में काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सनातन, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा, डॉक्टर एवली समेत कई दंत चिकित्सक और लोग मौजूद थे। भागलपुर में रविवार की रात से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। वर्षा होने से धरती की प्यास तो बुझ गई, लेकिन आम, लीची एवं सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा और वर्षा की वजह से पूरे शहर की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। जर्जर तार होने के वजह से उपकेंद्रों से बिजली काट दी गई है। सोमवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और बूंदाबूंदी के साथ जोरदार बारिश दिन भर होती रही। मार्च के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी को इस बारिश ने ठंड में बदल दिया है। बारिश की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होते ही गर्म कपड़े भी निकलने लगे हैं। वहीं तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव भी हो गया है। मौसम विज्ञानी के अनुसार अभी दो दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रविवार की देर शाम एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक बच्चा नर्सरी का छात्र था। बच्चे की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुहट्टा चौक निवासी विजय कुमार दास के 8 वर्षीय पुत्र निखिल कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है और स्कूल प्रबंधन पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर परिजनों ने कहा कि रविवार को निखिल के बाथरूम में गिर जाने और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सभी परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अपने बेटे को मृत पाया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि 31 जनवरी को ही इस विद्यालय में बेटे का नामांकन कराया था। घटना के बाद से ही हॉस्टल संचालक सहित वहां रह रहे सभी शिक्षक मौके से फरार हो गए। इधर मामले की सूचना पाकर सबौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। परसों हम लोग बच्चे से बात किए, बच्चे से बात हुआ, अच्छा चलता हुआ बात हुआ जी।
और कल कल जो है 3 बजे उनका जो प्रिंसिपल है दिलीप कुमार यादव का कॉल आया और अचानक बच्चा बोलता है कि बच्चा जो है डेड हो गया। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग तुरंत वहां से घर से निकले, तो फिर कॉल किया तो बोला हम हॉस्पिटल में। तो फिर हम जब आए यहाँ सबर जहाँ पे हॉस्टल था वहाँ पे हम आए, तो वहाँ पे ऐसा कोई मोमेंट हम नहीं देखे कि बच्चा हॉस्पिटल से आया या कुछ भी। जो भी है बच्चा ऊपर में, ये मास्टर जो है झूठ बोला कि हम हॉस्पिटल ले गए और यहाँ वहाँ ले गए, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक भी आदमी नहीं था, नहीं कोई टीचर था, नहीं कोई स्टूडेंट था, और सारा टीचर्स और सारा चीज उसका जितना भी होता है सब चीज खाली करके वो भाग गया।